जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर मैं लेकर आया हूँ 70,000 अतिथि शिक्षकों के लिए। बुरी खबर, कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं होगा नियमित। जो खबर आज मिली है उसको लेकर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, जो कि 100% सही और सटीक रही। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चले पूरी खबर मैं बताने वाला हूँ विस्तार से। क्या है खबर? तो देखिए, खबर ये है, भोपाल समाचार की खबर है। अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए, ये मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, और ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं CM मामा जी के नाम से प्रसिद्ध थे शिवराज सिंह। अतिथि शिक्षक के लिए बुरी खबर, बातचीत रही विफल। तो देखिए, ये बातचीत हुई है। अब क्या बातचीत हुई है पूरी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, आप वीडियो अंत तक देखिए तभी पता चलेगा। चलिए, तो देखिए यहाँ से क्या कह रहे हैं कि रविवार को, कल की बात है, तो देखिए रविवार को अपनी विधानसभा में अतिथि शिक्षकों के मार्मिक घेराव के बाद केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई यह जानकारी कुछ समय बाद मिल जाएगी, परंतु फिलहाल यह अपने आप में महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं इस मुलाकात की जानकारी दी है। ठीक है, आगे देखो, अतिथि शिक्षकों के संबंध में चर्चा नहीं हुई है। तो देखिए, अतिथि शिक्षकों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अपनी घोषणा पूरी करवाने के लिए पूरी ताकत लगवाऊंगा, जो रविवार को उनसे सीहोर के नसरुल्लागंज में घेरकर बात की थी, तब उन्होंने कहा। इसके बाद आज सोमवार को वह मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले और माना जा रहा है कि बातचीत का एजेंडा अतिथि शिक्षक ही होंगे, परंतु ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बताया भी नहीं। मोहन यादव, अगर ऐसी कुछ बात होती जब मोहन यादव ये बता सकते हैं कि माननीय कृषि मंत्री हमसे मिलने आए हैं, तो भैया किस ऊपर पर चर्चा हुई ये तो नहीं बताया। तो इसी बात से ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि अतिथियों के ऊपर तो बात नहीं हुई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइए दोस्तों, और अगर खबर सही लगी है तो जल्दी से लाइक करिए सटीक, और कुछ भी अगर जानकारी लेना है तो जल्दी से चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।